हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। चलो मैं आज आपको कुछ नया दिखाता हूँ। देखिए, आप सोचते होगे भाई ये क्या फसल है। ये हरी खाद है जो आपकी मिट्टी का उद्धार हो जाता है उससे। देखिए, उसको ढेचा भी बोलते हैं। देखो ये हरी खाद है, उसके पत्ते देखो ऐसे होते हैं। पूरा खेत है हरी खाद। देखो उससे ऐसे फूल भी होते हैं। देखो ये हरी खाद है, तो गुजरात में इसको इकड़ बोलते हैं। ये करने से जमीन की मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। देखिए उसके बोने के बाद 45 या 50 दिन के बाद उसको ट्रैक्टर से डिस्क कटर मार देना है। ये क्या होगा, ज़मीन में सब कुछ अंदर चले जाएगा। मैं अंदर से दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गया है। तो आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए देखो ये छोटे छोटे दाने दिखते हैं। देखो ये तैयार हो गया है। देखो ये देखो ये छोटे छोटे दाने जैसा लगता है ना, उसमें क्या है, बहुत नाइट्रोजन पोटास बहुत है। चलो आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। देखिए ये है, देखो ये इसमें भरपूर मात्रा में पोटास नाइट्रोजन है। इससे क्या होता है, जमीन में अंदर चले जाएगा, फिर अगली फसल बहुत अच्छी होती है। देखो और रासायनिक का खर्चा सब कुछ बच जाता है, उससे अगली फसल बहुत अच्छी होती है। ये ज़मीन को अच्छी तरह से बहुत अच्छी हो जाती है, इससे ज़मीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाती है और अगली फसल में बहुत मदद रूप होता है। दूसरी फसल में ज़्यादा खाद नहीं डालना पड़ता है, इससे सब कुछ अंदर आ जाता है, बहुत अच्छा होता है।